तो राम राम सही भाइयों को क्या है भाइयों, आप सबकी उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। भाइयों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोयोटा की आने वाली अर्टिगा के बारे में। तो ये टोयोटा की आने वाली दोस्तों 7 सीटर एसयूवी होने वाली है। एसयूवी क्या, ये एक मिनी एसयूवी होने वाली है टोयोटा की आने वाली, जो की मारुति की एक्सेल 6 पर बेस्ड होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टोयोटा की आने वाली अर्टिगा के बारे में बताने वाला हूँ, गाड़ी कब आने वाली है, कितना प्राइस होने वाला है और क्या क्या उसमें आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो जाके फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। शुरुआत में अगर हम टोयोटा अर्टिगा की एक्सटीरियर डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 4.45 मीटर, इसकी चौड़ाई 1.77 मीटर और इसकी ऊंचाई 1.72 मीटर के करीब मिलेगी। इसमें आपको 2.74 मीटर के करीब व्हील बेस मिलेगा। R16 इंच के अलॉय व्हील्स, फ्रंट में टोयोटा की बैजिंग के साथ नए डिजाइन के फ्रंट ग्रिल, नए प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, नए DRLs, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स, रियर LED टेल लाइट्स, 3-row सीटिंग अरेंजमेंट विद 6-seater एंड 7-seater, डुअल टोन और मोल्टोन कलर के ऑप्शन जैसे शानदार फीचर्स आने वाले टोयोटा अर्टिगा के एक्सटीरियर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये गाड़ी आपको मारुति की एक्सेल 6 पर पूरी तरीके से आधारित होने वाली है। अगर हम इसकी इंजन की बात करें तो इसमें आपको मारुति अर्टिगा में मिलने वाला ही 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 105 bhp के आसपास पावर और 138 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ये इंजन आपको 5 स्पीड की मैनुअल और 4 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन के साथ मिलने वाला है। दूसरे इंजन के ऑप्शन में इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी मिल सकता है, जो कि 95 bhp के आसपास पावर प्रोड्यूस करेगा। ये टोयोटा अर्टिगा में आने वाला इंजन आपको मारुति की गाड़ियों में भी मिल सकता है। ये इंजन आपको मारुति की विटारा ब्रेजा और मारुति की अर्टिगा में भी मिल सकता है, जो कि टोयोटा मोटर्स के साथ शेयर करा जाएगा। उसके बाद अगर हम इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो ये गाड़ी आपको 3-row के सीटिंग अरेंजमेंट के साथ आने वाली है। इसमें आपको 6-seater और 7-seater दोनों का ही ऑप्शन मिलने वाला है। और टोयोटा की आने वाली अर्टिगा का इंटीरियर बहुत ज़्यादा प्रीमियम और स्पेशियस होने वाला है। इसमें आपको ब्लैक और बेज कलर का डुअल टोन कलर का इंटीरियर मिलेगा, जो कि सॉफ्ट टच प्लास्टिक के साथ आने वाला है। इसमें आपको टोयोटा की बैजिंग के साथ मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग विद क्रूज कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑल सीट्स विद हेड रेस्ट, रियर AC वेंट्स, एम्बियंट लाइट, कूल्ड ग्लव बॉक्स, 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम, 6-speaker प्रीमियम म्यूजिक ऑडियो सिस्टम, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग, रियर सीट्स विद पावर सॉकेट एंड USB पोर्ट, एयर प्योरीफायर जैसे शानदार फीचर्स आने वाली टोयोटा अर्टिगा के इंटीरियर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी में आपको डुअल फ्रंट एयरबैग विद साइड कर्टन एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद सेंसर्स, क्रूज कंट्रोल, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एंट्री लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिक्लाइन असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, सीट बेल्ट रिमाइंडर विद प्री टेंशनर, ऑल डिस्क ब्रेक, कॉर्नरिंग फंक्शन ऑन हेडलैम्प जैसे शानदार सेफ्टी के फीचर आने वाली टोयोटा अर्टिगा के इंटीरियर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो भाइयों अगर हम इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करें तो ये गाड़ी आपको 8-9 लाख से शुरू होकर 13-14 लाख तक जाने वाली, जो कि इसकी एक्चुअल प्राइसिंग होने वाली दोस्तों। ये SUV आपको टोयोटा की इनोवा से छोटे सेगमेंट में होने वाली है, यानी कि एक टोयोटा इनोवा तो एक हायर सेगमेंट हो गया टोयोटा का। ये SUV आपको टोयोटा इनोवा से छोटी होने वाली है। बाकी ये आपको मारुति की एक्सेसरीज पर पूरी तरह ही बेस्ड होगी। बाकी अगर हम इस गाड़ी की लॉन्चिंग की बात करें तो ये गाड़ी आपको दोस्तों 2021 के एंड तक या फिर 2022 की शुरुआत तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होती हुई दिखाई देगी। बहुत अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है टोयोटा की तरफ से आने वाली अर्टिगा। तो दोस्तों आपको ये गाड़ी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो यार प्लीज एक लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आने वाली टोयोटा अर्टिगा के बारे में लोगों को पता चल पाए। दोस्तों प्लीज जाके शेयर करो यार। अगर नए हो मेरे चैनल पे तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। और आपके कोई भी डाउट्स हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, या तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। फिर ऐसे ही मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।